हेलो गाइस, वेलकम टू डुबली। सो आज हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म चैसिस। जो चैसिस होती है ना, वो एक लोड बेयरिंग फ्रेमवर्क होती है मेटल की बनी हुई, और वो स्ट्रक्चरली सपोर्ट करती हैं जो भी कार के कंपोनेंट्स होते हैं लाइक इंजन्स, उसकी जो फेयरिंग्स होती हैं उन सबको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं। सो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मीन बाय द सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। तो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल वही होते हैं जो कि खुद एनर्जी बनाकर किसी प्रपल्शन मेथड से उस व्हीकल को रोटेटरी मोशन देते हैं, जिससे कि वो व्हीकल काम कर सके, लाइक आपका मोटरसाइकिल, एयरक्राफ्ट, बोट्स, स्नोमोबाइल, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, जेट्स की। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कार्बोरेटर। क्योंकि ये दो नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। एक कार्बोरेटर जो होता है ना, वो प्रॉपर फिक्स्ड अमाउंट में एयर और फ्यूल रेशियो को मिक्स करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है इंजन में। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गिव वन बेनिफिट ऑफ डबल ओवरहेड कैम ओवर सिंगल ओवरहेड कैम। सो इसका आंसर है, जो डबल ओवरहेड कैम सेटअप होता है जिसको हम DOHC भी कहते हैं, उसमें ना एग्जॉस्ट वेल्व का जो एंगल होता है वो लार्ज होता है कंपैरेटिवली सिंगल ओवरहेड कैम्स। तो इंजन्स का जो इनटेक वेल्व्स होंगे उसमें ज़्यादा एयर फ्लो जा पाएगा, और ज़्यादा एयर फ्लो जा पाएगा तो इंजन कैन ब्रीथ बेटर एंड दस प्रोड्यूस मोर हॉर्स पावर आउट ऑफ स्मॉलर इंजन डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एप्लीकेशन ऑफ CRDI। CRDI इंजन कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन होते हैं, और इनका एप्लीकेशन है एक कार लिख देना। सो सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय द फ्रंट एक्सल्स। फ्रंट एक्सल का यूज़ होता है कि मतलब फ्रंट एक्सल्स स्टेयरिंग को सपोर्ट देते हैं, और जो शॉक्स आते हैं अनइवन सरफेस पे उनकी प्रोसेसिंग करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ क्लच इन एन ऑटोमोबाइल। क्लच का फंक्शन होता है कि ट्रांसमिशन से और इंजन से एंगेज करना या डिसएंगेज करना। नेक्स्ट है, वेयर डू वी यूज़ यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट अगर कोई रियल व्हील कार है, रियल ड्राइव व्हील कार है, तो उसके पास एक शाफ्ट होगी जो इंजन से और रियल व्हील तक जाएगी, और उन दोनों को जॉइंट करने के लिए यूनिवर्सल जॉइंट का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म टो इन। टो इन का जनरली मीन होता है कि कार की जो सेंटर लाइन होती है उसके जो फ्रंट व्हील्स होते हैं वो सेंटर लाइन की तरफ स्लाइटली कन्वर्ट्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म कैम्बर। कैम्बर एक एंगल होता है जो कि वर्टिकली, लेट सपोज एक टायर है तो उसके वर्टिकली एक नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल से अगर कोई एंगल डिफॉर्म होता है टायर का तो उसको कैम्बर एंगल कहते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ABS। ABS की फुल फॉर्म होती है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। ये सिस्टम प्रिवेंट करता है, अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो टायर को लॉक होने से प्रिवेंट करता है, और अगर टायर लॉक नहीं होगा तो वो अपनी ग्रिप सरफेस से बना के रखेगा, जिसकी वजह से कार जल्दी रुक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ लीफ स्प्रिंग इन एन ऑटोमोबाइल। तो लीफ स्प्रिंग ना हैवी ड्यूटी व्हीकल में यूज़ होती है, और ये बम्स और पॉट होल से शॉक्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू वी चार्ज द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल। अगर हम सर्विसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कार की बैटरी चार्ज हो सकती है किसी एक्सटर्नल बैटरी से। सो इसमें लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ बैटरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बैटरी का चेक करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसका नाम है हाइड्रोमीटर, और इस प्रोसेस का नाम है बैटरीज इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस में एसिड की कंसंट्रेशन हाई होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इस बैटरी की हाई है, इसी बेसिस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करी जाती है किसी भी चार्ज बैटरी की। सो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन की मार्किंग वैल्यू 4 मार्क्स है। तो अगर मैं सब क्वेश्चन को बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फ़ोटोज़ के अकॉर्डिंग
आपको आंसर्स दूंगा हर क्वेश्चंस का, और सेम पार्ट बी में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं।